चर्चित पात्रा चौल घोटाला मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कस गया है। घर में करीब 9 घंटे की पड़ताल के बाद ईडी संजय राउत को अपने साथ ऑफिस लेकर गई, लेकिन राउत जब अपने घर से निकले तो उनके भाव भंगिमा ऐसी थी मानो वो ये बताना चाह रहे हों कि वो किसी से नहीं डरते। और ईडी दफ्तर पहुंचकर भी उन्होंने कह दिया डरूंगा नहीं, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार संजय राउत के ऊपर इस वक्त लटक रही है। ये रिपोर्ट देखिए। साढ़े 9 घंटे की पूछताछ के बाद जब संजय राउत ईडी के अफसरों के साथ अपने घर से बाहर निकले तो उनका अंदाज कुछ यूं था। चेहरे पर जरा सी भी शकन नहीं, वो पहले हाथ हिलाते रहे, अभिवादन करते रहे। फिर उन्होंने अपने गले में पड़ा हुआ गमछा निकाला और उसे इस अंदाज में लहराया मानो वो कह रहे हों कि उन्हें किसी तरह का खौफ नहीं है, मानो वो कह रहे हों कि उनकी जीत निश्चित होगी, मानो वो कह रहे हों कि मैं झुकेगा नहीं। इधर संजय राउत को लेकर पुलिस वालों की फौज निकली ही थी कि घर के बाहर खड़े समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। रास्ते में लोग लेटने लगे, ईडी के अफसरों को रोकने की कोशिशें शुरू हो गई। पुलिस वालों ने किसी तरह से लोगों को काबू में किया, किसी को पुलिस वैन में भर लिया तो किसी को बलपूर्वक बाहर का रास्ता दिखाया। संजय राउत के भाई भी सामने आए, उन्होंने भी यही कहा कि रास्ता छोड़ दो। मैं बता दूं, देख रहे हैं कि कितना अग्रेसिव हो रहा है, यहाँ कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना आ जाए। लोगों को पुलिस घसीटते हुए वैन में डालते हुए कि ये रास्ता क्लियर होगा, ये रास्ता हाईवे के लिए इस्तेमाल होगा, इसी रास्ते से ये है सुनील राउत जी को देखिए जी, जो संजय राउत जी के छोटे भाई हैं, लोगों से निवेदन करने आए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ये सफेद शर्ट में ये जेंटलमैन जो है, और काफी लोग नीचे बैठे भी हैं संजय राउत के समर्थन में, उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ये लोग इतने सालों से। संजय राउत जी ये भाई साहब अगर आप दिखा दे आपको तो पूरी तरह से सो ही गए हैं, हटने को कोई तैयार नहीं है, लोगों को ढेर सारी परेशानी और तकलीफ। समर्थकों की एक भी नहीं चली, चली तो वो कार जिसमें थे सवार संजय राउत। संजय राउत अपनी कार के सनरूफ से बाहर निकले और दोनों भुजाओं को ऐसे दिखाया। इन तस्वीरों को देखकर कोई कह नहीं सकता कि संजय के सितारे गर्दिश में हैं। झंडा फहराते हुए शिवसेना का धनुष और बाण का पीछे ही उनके छोटे भाई सुनील राउत जी भी कहीं ना कहीं दिखाते हुए हम डरे नहीं है, हम ईडी के साथ कोऑपरेट करेंगे। आप अगर वो बॉडी लैंग्वेज देखिए तो एक शेर की है, वो शिवसेना के असली शेर की तरह दहाड़ते हुए निकले हैं। बताते चले कि 9:30 घंटे बाद भले ही संजय राउत अपने घर से बाहर निकले, मगर 7:30 बजे सुबह ईडी के अफसर संजय राउत के भांडुप वाले घर पहुंचे थे। पहुंचते ही ईडी ने शुरू कर दिया पात्रा चौल घोटाला मामले की पड़ताल। कुछ घंटे की पूछताछ के बाद संजय राउत अपनी छत पर दिखे थे ऐसे हाथ हिलाते हुए, साथ में उनका ट्वीट आया था कि मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की शपथ लेकर ये कह रहा हूँ, बाला साहब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा, ये झूठी कार्रवाई है, झूठा सबूत है, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। संजय राउत ये दम इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि उनके घर के बाहर समर्थकों का हुजूम था और वो कह रहे थे कि संजय को कहीं नहीं ले जाने देंगे। ये जो चोर है ना, संजय राउत साहब ने 2 बार ईडी के इंक्वायरी किया है ना, जिनकी एक ही बार इंक्वायरी नहीं हुए है वो चोर बैठे है, गद्दार 40 चोर और एक अली बाबा। ईडी क्या है? ईडी का मतलब ये है ई फॉर एकनाथ, डी फॉर देवेंद्र। राउत साहब तो पहले 2 बार जाके आए हैं, तो यहाँ इतना ये सब करने की जरूरत नहीं, उनको बुलाते तो आते थे और उन्होंने टाइम मांगा था, वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा, वो आने वाले थे, टाइम देना चाहिए ना, अभी तो संसद चालू है वहाँ पे, तो ऐसा है कि अगर वो करते तो हम लोग नहीं जाने। लेकिन किसी की एक न चले, चल पड़े संजय ईडी दफ्तर की ओर। बताया जा रहा है कि संजय राउत पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। अब ईडी दफ्तर में संजय का सवालों से सामना है। मुंबई से देव कोटक, दिव्येश, विद्या और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।